अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? क्यूने के कर्डोन के साथ आप देख रहे हैं, मैंने ये स्लाइस किए हैं इनके पार्टीशन करके हेयर पे, और इनके अब बालों को जो है क्यूने के साथ मैं कर्डोन करूँगी। और कर्डोन करने के बाद मैं आपको बताऊँ कि मैंने कौन सा कलर अप्लाई किया था, तो आपके साथ मैं वो भी शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सा कलर कर्डोन के बाद जो है अप्लाई किया था। जी 8.19 और 9.1, ये दो कलर मैंने मिक्सिंग किए थे, और जितना मैंने 9.1 कलर लिया था उससे डबल मैंने 8.19 कलर लिया था। और उनकी जो है मैंने 10 वॉल्यूम क्यूने के डेवलपर के साथ मिक्सिंग की थी अच्छी तरह से, और इनको मिक्सिंग करने के बाद फिर मैंने इनके हेयर के ऊपर अप्लाई किया था। और इसके बाद मैं आपको यही इस कलर का फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा। और फाइनल रिज़ल्ट देख लें आप इस कलर का, जो मैंने डबल कलर की मिक्सिंग की थी, और उसके आपके साथ शेयर करती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट्स। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेरी हाइलाइट्स जो हैं स्टिक्स कैसी लगी हैं। अच्छी तरह से मैंने कलर को इनके हेयर के ऊपर मिक्सिंग की है, और पहले ब्रश की मदद से फिर कॉम्ब के साथ मैंने इनके हेयर को कॉम करते हुए, उसके बाद जो है मैंने अच्छी तरह से हाथों के साथ, आपने जब भी कलर अप्लाई करना है आपने ग्लव्स ले लेने हैं, लेकिन हम लोग बाजू का जल्दी में जो है ना ग्लव्स नहीं पहनते, क्योंकि सारा कर्डोन मैंने ग्लव्स पहन के किया था, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है फिर वो उतारा था और फिर पहनने में। तो मैंने दोबारा जब कलर अप्लाई किया तो मैंने ऐसे हाथों के साथ अप्लाई कर लिया। आपने जब भी कलर अप्लाई करना आप ग्लव्स ज़रूर यूज़ किया करें, बस जल्दबाजी में हम समटाइम मेरे से हो जाता है कि मैं ग्लव्स नहीं पहनती, या फिर बार बार उतारना और पहनना बहुत ही मुझे वो हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता काम के दौरान ना। तो अच्छी तरह से मैंने इन हेयर को कलर अप्लाई किया है और फिर कॉम की है, और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने कलर अप्लाई करने के बाद 20 मिनट मैंने इनके जो है ना कलर, 15 से 20 मिनट इनके जो है ना बालों में मैंने कलर छोड़ दिया था, ताकि इन्होंने अपनी बेस भी चेंज करनी थी हेयर की, तो जो कट डाउन हुए हुए थे उनके ऊपर रिजल्ट अच्छा आ जाए, और जो दूसरे इनके ब्लैक हेयर थे उनके ऊपर भी इनकी जो है बेस चेंज हो जाए। इसलिए मैंने 15 मिनट जब कलर अप्लाई किया था तो 15 मिनट तक मैंने उसको लगा रहने दिया था, उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे। ये दो कलर की मिक्सिंग जो मैंने की थी उसकी स्टिक्स है, और उसके ये फाइनल रिजल्ट हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है ये हाइलाइट्स, और फाइनल रिजल्ट को इंजॉय।